मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। अरे वाह अयान, तू तो बड़ा सुधर गया, अब तो सलाम ठोकता है। अरे भाई पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो, पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखाती भी है या नहीं। ओ भाई हमारी मैडम ये सलाम अलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम कहती है कि सुबह में गुड मॉर्निंग कहो और रात में गुड नाइट कहो, और हमें एक हॉल में बिठा के अल्लाह से टॉफी मांगने कहती है, और जब नहीं मिलती तो यीशु मसीह से मांगने कहती है, और जब हम लोग मांगते हैं तो ढेर सारी टॉफी ऊपर से गिरने लगती है। मेरे भाइयों तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखते और ये उल्टा सीधा सीख रहे हो। और सुनो, तुम जिस कॉन्वेंट में और जिस टीचर के पास पढ़ते हो, हम भी उसी कॉन्वेंट में और टीचर के पास पढ़ते हैं, लेकिन हम रोज मदरसा जाते हैं और दिन का इल्म सीखते हैं, इस्लाम पर टॉफी का कोई असर नहीं होता। बस बस ज्यादा बकवास मत कर, क्या बस तू ही जिंदा रहे, हमको भी रोज घर में दादी अम्मा सिखाती है। अच्छा ये तो आपके बात करने के तरीके से ही पता चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ कहो, सब आता हमको। गुसल में 6 फ्राइज है, नंबर 1 तौल का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश करना, नंबर 3 कम से कम पानी में गुसल करना, नंबर 4 साबुनदानी का होना, नंबर 5 गर्म पानी का होना, नंबर 6 कमर के पास से नीचे तक पानी बहाना। क्या हुआ भाई, आप लोग मजाक उड़ा रहे हमारा? नहीं नहीं हरीश भाई, ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आपने गुसल के फ्राइज सुनाकर दिन का मजाक उड़ा दिया। ये गुसल के फ्राइज नहीं तो सरासर जहालत है, गुसल के सही फ्राइज आपको हमारे मदरसे का ये छोटा सा बच्चा सुनाएगा। सुनो बेटा, गुसल में 3 फ्राइज है, नंबर 1 मुंह भरने को लेकर ना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी जगह सूखी ना रहे, नोट अगर जगह सूखी रह गई तो गुसल नहीं हुआ। मुआसिफ भाई आप बताओ नमाज में कितने फ्राइज है? अरे भाई टोपी पहन कर मौलाना के पीछे रुकू सजदा करने को ही तो नमाज कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपको भी नमाज से फ्राइज मालूम नहीं? सुनो नमाज के सही फ्राइज, मोहतशिम भाई इनको नमाज के फ्राइज सुनो जरा। आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें।
और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।